बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कोई भी डेटा है एक्सेल के अंदर, उसमें डेटा एंट्री के दरमियान में कोई ब्लैंक या कुछ इस तरह की एम्प्टी सेल की एंट्रीज हैं, जिसके अंदर से हमें सिर्फ रेगुलर या फिर जो फुल डेटा एंट्री होगी यानी ऑल फील्ड्स के अंदर सिर्फ वो डेटा लुकअप करना है, अलग चाह रहे हैं हम वो निकालने जिनकी फुल डेटा एंट्री हुई हुई है। और कोई अगर ब्लैंक सेल है या किसी वजह से एब्सेंट है या फिर कोई पार्टिसिपेट नहीं करा या फिर कोई रेगुलर बेसिस पे उन्होंने काम नहीं किया, तो वो हमें अलग करना है रिकॉर्ड। और जो रेगुलर हमारे पास एंट्रीज हैं वो हमें हर फील्ड की यानी जिसमें डेटा एंट्री की गई है वो अलग करना है। तो ये किस तरह से होगा अगर डेटा एंट्री के अंदर विदाउट ब्लैंक डेटा और एम्प्टी सेल के हमें अलग से चेक करना है, तो ये आज की इस वीडियो के अंदर सीखने को मिलेगा। इसका जैसे एग्जांपल मैं ये भी शेयर कर सकता हूँ, जैसे अगर कोई अटेंडेंस रिकॉर्ड है साल का है पूरा, तो उसमें हर महीने के अंदर या फिर ईयरली जो होगी इतने उनकी जो है वो होनी चाहिए रेगुलर, यानी जो रहे हैं तो उनको जो है एलिजिबल होंगे बोनस के लिए या फिर उनको पे किया जाएगा एक्स्ट्रा कोई अमाउंट। इस तरह से कोई अगर हमें चेक करना है कि कौन एम्प्लॉयज हैं जो क्वालिफाई हुए हैं उसके लिए, तो ये हो गया। या फिर कोई सेशन हुआ है कि भाई ये हर उसमें जो है क्लियर थे और किसी में नहीं आए, एब्सेंट थे, उनकी एंट्री नहीं आ रही है, तो ये उसके अंदर ऐड नहीं होंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो भी होगा प्रोग्राम उसके अंदर ऐड करने के लिए। तो ये सब किस तरह से होगा ये आज की वीडियो में फॉर्मूले से मैं टेक्निक को समझाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जो फर्स्ट देखें चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक भी कर दें, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करेंगे। अब यहाँ मैंने एग्जाम्पल जो शेयर करी है वो आपकी मैं एक वीकली बेस अटेंडेंस जो है उसके ऊपर समझा रहा हूँ। जैसे हमारे पास आईडीज हैं, अब आईडीज के साथ आप कोई भी फील्ड और कोई भी कॉलम की हेडिंग जो उसके अंदर एंट्रीज हैं वो हो सकती हैं। हमें उसके अंदर से जो ब्लैंक रिकॉर्ड्स आ रहे हैं वो एंड के हैं, मिड में हैं, स्टार्ट के हैं, बिल्कुल फर्स्ट कॉलम के अंदर हैं, जैसे अब यहाँ से इनका कोई नंबर में से, तो ऐसा डाटा जो है वो हमें नहीं चाहिए। हमें सिंपल जिनकी हर फील्ड के अंदर डेटा एंट्री की गई है वो सिर्फ लुकअप करना है हमें यहाँ पे। तो इसको हम किस तरह से कर सकते हैं फाइंड, हम सिर्फ हेडिंग को जो मेन हेडिंग होगी कॉपी पेस्ट करेंगे और कॉपी पेस्ट करने के बाद इस सेल में हम फर्स्ट फॉर्मूला यूज करेंगे इक्वल फिल्टर फंक्शन। एरे में हम जो सेकंड स्टार्ट हेडिंग के बाद सेल, इससे राइट कंट्रोल डाउन और राइट लास्ट डेटा जो कॉलम है वहां तक सिलेक्ट करेंगे, कॉमा लगाएंगे, इंक्लूड, यहाँ पर ब्रैकेट ओपन आ गया। फर्स्ट कॉलम चेक करना है, बिल्कुल चेक करना है, तो यहाँ पर हम उसको सिलेक्ट करेंगे ऑल इंक्लूड में और यहाँ पर हम दे देंगे नॉट इक्वल टू ब्लैंक और इसको कंटिन्यू करेंगे यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज के बाद अगेन मल्टीप्लाई सेकंड कॉलम नॉट इक्वल टू ब्लैंक मल्टीप्लाई, यही फॉर्मूला पूरा कंटिन्यू करेंगे हम। ठीक है जी, एंड तक जितने कॉलम यानी जो जो फील्ड आपकी जिस कॉलम के अंदर आपको चेक करनी है वो इसी तरह से आप कंटिन्यू करके मल्टीप्लाई के साइन के साथ ऐड करते रहेंगे। ठीक है जी, जितनी फील्ड होंगी इस तरह से आप हर एक ईच कॉलम को सिलेक्ट करेंगे और ब्रैकेट क्लोज करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे अगेन और यहां से आप उसके बाद नेक्स्ट ब्लैंक मल्टीप्लाई अगेन ब्रैकेट ओपन सेल क्लिक नॉट इक्वल ब्लैंक ब्रैकेट क्लोज। यहाँ मैंने कंप्लीट एच लास्ट कॉलम था जिसमें डेटा एंट्री थी वहां तक मैंने सिलेक्शन आके नॉट इक्वल ब्लैंक कर दिया। अब ये यहाँ पर कंप्लीट हो गया था हमारा इंक्लूड का जो ऐड करा हमने मल्टीप्लाई के साथ मल्टीपल फील्ड के लिए और फिर यहाँ पर कॉमा फर्स्ट सेल में जो भी एडिट होता है फॉर्मूला एंटर के बाद फर्स्ट सेल में एडिट करने के लिए हम फॉर्मूला यूज करते हैं। और उसके साथ अगर हम यहाँ पर चेक करें, ठीक है जी, यहाँ तक हमारी ये कंडीशन आ गई थी इंक्लूड की जो मल्टीप्लाई के साथ मल्टीपल फील्ड के लिए हमने यूज करी कॉमा इफ एम्प्टी होगा तो नो रिजल्ट लिखा हुआ आ जाए। ठीक है जी, और यहाँ पर इंटर, अब यहाँ वन एंट्री जो है ये कह रहे हैं पूरी इनकी फुल आ रही है एंट्रीज और इसके साथ यहाँ से हटा देना संडे हॉलीडे तो यहाँ से सेकंड एंट्री आ रही है पूरी और फिर सेवन नंबर की एंट्री आ रही है, इनका यहाँ पे नंबर मिसिंग है, बाकी कोई फील्ड जो है पूरी नहीं है। ठीक है जी, तो ये इस तरह से चेक हो गया। अगर इनकेस किसी भी सेल में एंट्री नहीं है पूरी तो फिर इफ एम्प्टी हो जाएगा नो रिजल्ट। ठीक है जी, कंट्रोल जी कर लेता हूँ मैं। तो इस तरह इस फॉर्मूले से किसी भी डेटा के अंदर ब्लैंक कॉलम, ब्लैंक फील्ड, ब्लैंक सेल, नो एम्प्टी, इफ एम्प्टी सेल,
उसके अलावा आपको बाकी के रिकॉर्ड चाहिए जिसमें फुल एंट्रीज आपके पास हो डाटा की, तो वो सामने आ जाए हमारे पास किसी भी हवाले से किसी भी किस्म के डाटा के ऊपर, ये आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। एग्जाम्पल मैंने इसके ऊपर आपके साथ शेयर करी है, वो डाटा जो एक एक सेल के अंदर भी एंट्री नहीं है उसके अलावा जो जो फुल एंट्रीज होंगी वो सिर्फ रिकॉर्ड आपके सामने आ जाएगा। इसी के साथ एक और एडवांस एग्जाम्पल आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ये भी ज़बरदस्त इसमें सीखने को मिलेगा। तो अभी तक अगर लाइक नहीं किया तो लाइक लाजमी कर देगा और वीडियो को शेयर भी कर दिया करें, ठीक है जी। तो चलिए शुरू करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। अब देखें यहाँ पर हमारे पास ये थर्ड कॉलम है, इसको बेस करते हुए लुकअप करना है राइट साइड और लेफ्ट, लेफ्ट एंड राइट। तो हम इस तरह करेंगे, जैसे हमारे पास इधर फील्ड्स दी हुई है डेजिग्नेशन में, हमने कोई सी भी फील्ड सेलेक्ट करी तो उसकी सैलरी इधर आ रही है। इसके बाद भी जितने कॉलम होंगे वो भी आप अलग चेक कर सकते हैं जो ट्रिक मैं बताऊंगा उस तरह से। और अगर उसकी स्टार्टिंग के जो कॉलम है वो बेस करते हुए उनकी आईडी आ जाए, उनकी नाम आ जाए जो डेजिग्नेशन हम सिलेक्ट कर रहे हैं, तो वो डिटेल किस तरह से हम चेक कर सकते हैं। तो यहाँ फोर कॉलम है, तो यहाँ थ्री कॉलम की लुकअप हो रही है और फोर कॉलम जो है वो हमारी, एक कॉलम जो है वो हमारा आईडी बेस है जिसको हम लुकअप कर रहे हैं, और बाकी जो रिजल्ट हमें चाहिए वो तीन कॉलम का रिजल्ट है जो हमारे पास यहाँ आ रहा है। देखें इंस्ट्रक्टर, जितने इंस्ट्रक्टर हैं सारे नाम, उनके आईडीज, उनकी सैलरीज हमारे पास आ गई यहाँ पे। तो ये किस तरह से हो रहा है ड्रॉप डाउन की मदद से सारा काम, और इसमें जो फॉर्मूला है वो मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ से जीरो से बिल्कुल। अब देखें यहाँ पे ये लिस्ट है यूनिक, तो लिस्ट बनाने के लिए हम जाते हैं डेटा मेन्यू में, डेटा वैलिडेशन, जिस सेल में लिस्ट बनानी है वहाँ क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखें रेंज बनी हुई है मेरी, ऑल सिलेक्ट करके ओके कर दिया हमने। इसको बाद में यहाँ से हाइड कर दें, तो शो नहीं करना है इस कॉलम को, तो ये हाइड हो जाएगा, लिस्ट हमारी काम करेगी अपनी जगह पे। अब हम जो भी सिलेक्ट कर रहे हैं फील्ड उसके जो स्टार्ट की पहले के फर्स्ट कॉलम और फिर एंड की जितने कॉलम लुकअप होंगे वो सब हमें यहाँ पे रिजल्ट चाहिए, ठीक है जी। तो मेरे तीन कॉलम है आपके स्टार्ट के और एंड के जितने कॉलम होंगे आप लुकअप कर सकते हैं। इसके लिए फॉर्मूला इस तरह से आप अप्लाई करेंगे, यहाँ पर फिल्टर, अगेन फिल्टर, ठीक है जी, फिल्टर ब्रैकेट ओपन, फिल्टर ब्रैकेट ओपन, एरे में आप ऑल डेटा सिलेक्ट करेंगे, ये आपका एरे हो गया, कॉमा लगाएंगे, इंक्लूड के अंदर आप इंक्लूड के अंदर जिस बेस को कॉलम जिसको ड्रॉप डाउन की मदद से आपको आईडीज चेक करनी है, हर कॉलम को लुकअप करना है, तो वो कॉलम सिलेक्ट होगा इंक्लूड की जगह पे। तो हमें जो ड्रॉप डाउन से सिलेक्ट करनी कैटेगरी, उस कैटेगरी का ऑल कॉलम यहाँ मौजूद है डेटाबेस के अंदर से, तो वो मेन कॉलम सिलेक्ट करेंगे पहले और बराबर है कर देंगे ड्रॉप डाउन वाला सेल क्लिक, जिसमें से हम सिलेक्ट करेंगे डेजिग्नेशन या पोस्ट वगैरह देखने के लिए, ठीक है जी। तो इसको सिलेक्ट करा, अब यहाँ मेन चीज समझने की ये है जो मैं बताने जा रहा हूँ स्टेप, ठीक है जी, ये ध्यान से देखिएगा वरना आपका फॉर्मूला वर्क नहीं करेगा। देखें फिल्टर फंक्शन एक ऑप्शन हमें ये भी देता है कि अगर हम यहाँ डबल फिल्टर फंक्शन यूज कर रहे हैं, तो यहाँ एक फिल्टर को हमने यूज करके ब्रैकेट क्लोज कर दिया, कॉमा यूज करा, इसमें इंक्लूड कर दिया जो कॉलम हमें लुकअप करने हैं, तो वन होती है कंडीशन ट्रू किसी भी फॉर्मूले के लिए और जीरो होती है फॉल्स एग्जिट मैच के लिए। तो वन ट्रू कंडीशन के लिए हमें यहाँ पे रिकॉर्ड को चेक करना है, तो फिल्टर फंक्शन को कर्ली ब्रैकेट के साथ एरे में हम यूज कर सकते हैं। इसके लिए कर्ली ब्रैकेट का साइन ऐड करेंगे और कर्ली ब्रैकेट के साइन के बाद फर्स्ट कॉलम हमारी लुकअप वैल्यू क्या रही है जो स्टार्टिंग हमने करी है वो इधर से लेके इधर तक है, यानी डेटाबेस का स्टार्ट कॉलम फर्स्ट है जिसका लुकअप हमें यहाँ रिकॉर्ड चाहिए, तो वो वन हो गया। और फिर उसके बाद नेम एम्प्लॉइज जो है वो टू है और डेजिग्नेशन नहीं चाहिए, ये थ्री कॉलम है और बेसिक जो है फैलरी वो फोर, तो ये हमें वन टू थ्री और फोर है जिसमें से हमें वन टू और फोर कॉलम के रिकॉर्ड को यहाँ पे चेक करना है। तो हम यहाँ पे वन के लिए जो रिकॉर्ड हमें चाहिए वो वन यूज करेंगे, यानी हमें ट्रू कंडीशन के लिए इसका इस कॉलम फर्स्ट का जो है डिस्प्ले शो करो, और फिर उसके बाद टू कॉलम के लिए हम अगेन यहाँ पर वन करेंगे कि इसका भी हमें डिस्प्ले शो करो, और यहाँ पर थर्ड कॉलम हमें नल रखने, ठीक है जी, क्योंकि यहाँ पर हमारी लुकअप वैल्यू इसको बेस करते हुए आ रही है तो इस कॉलम का रिजल्ट यहाँ नहीं चाहिए, तो यहाँ हम कर देंगे जीरो, ठीक है जी। जहाँ जिस कॉलम का डेटाबेस में से रिकॉर्ड आपको नहीं चाहिए उस कॉलम नंबर को देखकर वो यहाँ पर आपको जीरो ऐड करना है। उसके बाद अगेन लास्ट कॉलम का रिकॉर्ड चाहिए, ठीक है जी, वन वन इसका रिकॉर्ड सर्च हो गया, जीरो नहीं चाहिए और वन फोर कॉलम चाहिए हमें, तो यहाँ पर हमने कर दिया वन। ये टेक्निक और तरीका है, इस तरह से आपको इसके अंदर जो जो रिजल्ट को चाहिए अपने डेटा के अंदर वो आप इधर वन वन करेंगे और जो नहीं चाहिए उसकी जगह पर आप जीरो ऐड कर देंगे, कर्ली ब्रैकेट क्लोज करेंगे, ठीक है। नॉर्मल एरे के मैंने और भी एग्जांपल पहले भी शेयर किए, तो फिल्टर फंक्शन लुकअप एंड एडवांस टेक्निक थी सर्च करने की, तो वो मैंने सब इसमें शेयर करी है। आपके लाइक्स मैं फिर कह रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा आने चाहिए,
ताकि इस तरह की और एडवांस से एडवांस चीजें आपको देखने को सीखने को शार्क टैंक यूट्यूब चैनल पर मिलती रहे। दोस्तों के साथ ग्रुप्स में सोशल मीडिया पर भी अपने लाजमी शेयर करें इसको, ठीक है जी। और यहाँ तक हम कर देंगे इसका ब्रैकेट क्लोज। अब देखें सिंपल इंटर हो गया हमारा काम। अब सिंपल बस आपको क्या करना है, रिपोर्ट बन गई, आप जो रिकॉर्ड चाहिए ऑफिस बॉय है या जो भी है गार्ड्स हैं उनकी क्या सैलरी है, उनकी क्या आईडी है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, उनका कॉन्टेक्ट, ये वो जहाँ कहाँ ड्यूटी कर रहे हैं, किस डिपार्टमेंट के हैं, तो सारे रिकॉर्ड आपके सामने आ जाएंगे वहाँ पे फटाफट से इन फॉर्मूला की वजह से, इतनी मेहनत भी नहीं करनी पड़ी, ठीक है जी। तो फिल्टर फंक्शन को मैंने शेयर करने को बताया आपको और उसकी और एग्जाम्पल आज आपके साथ शेयर करी। तो इस वीडियो में इतना ही, अपनी फीडबैक से जरूर आकर के अगर वीडियो की डिस्क्रिप्शन और कमेंट में लाजमी कमेंट करके बताएं वीडियो आपको कैसी लगी, कुछ देखना चाहते सीखना चाहते उसके लिए भी कमेंट करें। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शाम इस्लाम को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।